आज जो आप रामलीला मैदान में सैलाब देख रहे हैं उसके पीछे की रणनीति जो तैयार करी है वो दुष्यंत जी ने करी थी। दुष्यंत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। क्या लगता है आपको आज के कार्यक्रम को करने के बाद कहाँ तक आपकी सरकार उन बातों को मानेगी? साहब, हमने जो आज आयोजन किया था, हम सरकार से विनती करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है आप इसको ठीक करें। वो जगह आज भी भारत सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में गुरु रविदास महाराज के नाम पर है, जो हमारे से जबरदस्ती छीन ली गई है। हमारा मंदिर जो आज तक किसी सतगुरु का, किसी भगवान का, किसी संत का नहीं गिराया गया, दिल्ली में एकमात्र मंदिर है जो ये गिरा दिया गया है। वहाँ पर और महापुरुषों की समाधियाँ थी वो तोड़ दी गई हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बेनती करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आप सरकार हमारी बेनती सुने और उस मंदिर की जगह जो हमारी है हमें वापस दे दें, हम वहाँ पे मंदिर दोबारा बना लेंगे। अब जो हमारी बेनती है सरकार से है और हमारे साधु समाज से है, आज के बाद ये जो काम है हमारा साधु समाज करेगा, हम बाहर हो जाएंगे, सरकार उनके साथ नेगोशिएट कर ले जो वो चाहते। अगर वो सरकार को पैसा भी चाहती है तो समाज पैसा देने को भी तैयार है, पर यहाँ ये कहना चाहेंगे अगर हमारा समाज पैसा देगा तो बाकी सारे समाजों से भी पैसे सरकार को लेने पड़ेंगे। दुष्यंत जी, एक बात बताइए, आपने बताया पैसे की बात करी, अगर सरकार आपको इसकी जगह दूसरी जमीन देगी तो क्या आप लेंगे? साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ईसाई धर्म का सबसे बड़ी जगह जो है अगर वो किसी वजह से खराब हो जाए, उसमें क्षति हो जाए, तो क्या ईसाई धर्म दूसरा ले लेगा? अयोध्या का मंदिर की जगह कोई और ले लेंगे? जामा मस्जिद की जगह कोई और जगह ले लेंगे? गोल्डन टेम्पल जो जहाँ पे सिख समाज की आस्था है, क्या उसी जगह कोई जगह दूसरी ले ली जाएगी? नहीं। जब वो समाज नहीं लेंगे तो मेरे गुरु की जगह है, मेरे बाप की कमाई है, वो सतगुरु दास मेरे पहले बाप है, उनकी कमाई है, वो हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमें चाहिए। और हमारी सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है, सारा समाज बेनती कर रहा है शांतिपूर्ण ढंग से। देखिए आप और लोगों का जब यात्रा चलती है, दिल्ली जाम होती है, आज दिल्ली में कहीं एक पैसे का जाम नहीं हुआ है, हर आदमी हमारा स्मूथ चला है। और फिर बेनती है सरकार से कि वो जगह हमें दे दी जाए। आप जी हमारे साथ दुष्यंत जी, जिन्होंने कहा कि हम संविधान को मानने वाले बाबा साहब के बच्चे हैं और संवैधानिक तरीके से हम अपनी जमीन को लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए सरकार कोई भी दाम लगाए, नहीं तो हमें सरकार से जमीन ले लेंगे। आपने Yeah!
हमारे से अजय भाई हैं जो बहुजन समाज की आवाज को निरंतर उठाते रहते हैं, आम आदमी पार्टी से नेता हैं। अजय भाई, आज की क्या तैयारी है? पहले आम आदमी, बिल्कुल बताया जा रहा था ये जो मंदिर है आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने तोड़ा है, कहां तक सत्य है? देखिए, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये मंदिर DDA के अंडर में था। DDA ने इसको कोर्ट में डाल के और कोर्ट के थ्रू इस मंदिर को तोड़ने की मुहिम चलाई। जिस दिन पहली बार मंदिर तोड़ा जा रहा था, आज से 1.5 महीना पहले, हम वहां गए थे, हम खड़े हुए, हमने विरोध किया और मंदिर बचवा। आदमी पार्टी ने इससे पहले क्यों नहीं अपने धरने प्रदर्शन करे? आज इसके अंदर चंद लोग आके अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, क्या कारण उसके पीछे? देखिए, अब इससे 2 दिन पहले हमने बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया था और परसों सारा संत समाज मुख्यमंत्री साहब के पास गया था। वहां से उन्होंने ऐलान किया सबको कि मुझसे जो मदद चाहिए वो करेंगे। यहाँ जितनी भी व्यवस्था है, पानी, टॉयलेट वगैरह वगैरह, सब हम दिल्ली सरकार के लोग कर रहे हैं। और ये हमने कल मीडिया में, प्रेस न्यूज में भी कहा है और आज भी मैं यहाँ पे हूँ और हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री साहब ने एक ब्लैंक समाज के नाम पेपर दिया कि आप जो भी लिखना चाहते हो, साइन करके दे दिया है, वो लिखो और आप इनको DDA वालों को या केंद्र सरकार को, BJP को दो, हम आपके साथ हैं। दिल्ली सरकार क्या दबाव बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर? देखिए, हम तो दबाव बना रहे हैं। हमने कल इस संगठन को पूरा हमारा समर्थन था, सारे हमारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं। हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, तो मेरा पहला ही है कि मेरे मंदिरों को ना तोड़ा जाए। पार्टी का भी स्टैंड है कि किसी भी मंदिर को ना तोड़ा जाए, किसी की आस्था पे ठेस ना पहुंचाया जाए, और खासकर दलित समाज पे, और खासकर ऐसे मंदिर जो 1509 में बना है, जो 600 साल पुराना मंदिर है, ये हमारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं। और हम इन्हें बता दें, अगर हमारे इतिहास को कोई मिटाएगा, हम उन्हें मिटा देंगे, हमारा इतिहास नहीं मिटने। आज बहुजन समाज का सैलाब यहाँ देखते ही बनता है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर बिना किराए पे बुलाए बहुजन समाज के सारे लोग हैं, आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि सामाजिक लोग जो काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सरकार, दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हैं, तो आप क्या इस पे एक्शन लेंगे? दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी इस मंदिर को बनवाने के लिए? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, DDA दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र के अधीन है, और पुलिस भी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। एक तरीका है कि अगर DDA इसको रिलीजियस कमेटी में भेज दे, उसके बाद डिसीजन लेने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की होती है, जो इन्होंने नहीं किया। इन्हें पता था, हमने कहा था इस मुद्दे को रिलीजियस कमेटी में भेज दीजिए, लेकिन जानबूझ के BJP के लोगों ने इसको वहां तक भेजने नहीं दिया। और देखिए, आज केंद्र में बैठे हुए हरदीप पुरी जी, वहां पे बैठे हुए गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये एक छोटा सा हमारा मंदिर दे क्यों नहीं देते? ऐसा क्या बड़ा है? ये हमारे समाज को देने ही नहीं चाहते, तो ये मंशा नहीं है। मैं आपको छाती ठोक के कहता हूँ कि दिल्ली सरकार के जो भी प्रावधान है या जो भी उनके अधिकार क्षेत्र हैं, अगर उसमें कुछ भी चाहिए, मैं आपको दिलाने के लिए तैयार हूँ। अगर ना दिलाऊं तो उस दिन मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं कह के जाता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।